हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। व्यापम फास्ट मिसलेनियस जीके सीरीज का एक 10th पार्ट है। 9 पार्ट इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश का जो हमारा करंट अफेयर है वो आप सिर्फ 149 रुपीज़ में खरीद सकते हैं, और इसके बाद अब कुछ दिनों बाद इसके रेट फिर से या तो मैं वही कर दूंगा या इसको हटा दूंगा, क्योंकि अब नया कंटेंट जो है वो आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनसेट उपग्रह सी किस वर्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो ये है उपग्रह 1983 में इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। सोनाई रुपाई अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका असम में स्थित। किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है? तो ये मोलर टीथ जो होते हैं, मोलर टीथ उनको बोलते हैं, ठीक है। इनका जो उपयोग है वो खाने को पीसने में, या जिसको बोलते हैं चबाने में, ठीक है, जिनको हम देशी भाषा में क्या बोलते हैं, डाढ़ बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, वो मोलर टीथ होते हैं एक्चुअली में आपके। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी हाल में कौन है। 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था? तो 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था। भारत का संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPS, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये 315 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का नाम बताएं जिसने हॉटमेल की स्थापना की। देखिए, हॉटमेल जो है आपका एक जैसे आपका जीमेल और याहू जो आपकी मेलिंग सर्विसेज होती हैं, ठीक है, वैसे ही एक आपका ये भी होता है। तो ये भारत के जो सबीर भाटिया थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, उन्होंने ये बनाया था, ठीक है। मंगलयान का नाम है, तो ये मंगलयान क्या है? भारत का मंगल कृत्रिम मिशन, ठीक है। कृत्रिम मिशन मतलब आर्टिफिशियल एक मिशन था, मंगल ग्रह पे इस मंगलयान को पहुंचाया गया था। भारत के किस राज्य में रूट किलोमीटर में सबसे लंबी रेलवे नेटवर्क स्थित है? तो सबसे लंबी रेलवे नेटवर्क स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजबाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में है। बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? तो बाज बहादुर का महल कहाँ पर है? मांडू में है, ठीक है। मांडू के बारे में हम पहले भी, हमारी जो डिटेल MPG की सीरीज है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से, हमने उसको डिस्कस किया था, उसमें हमने काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। शहडोल संभाग में कौन सा जिला आता है? तो शहडोल संभाग के जो जिले हैं वो हैं अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। धूनी वाले दादा की समाधि कहां स्थित है? तो धूनी वाले दादा जो है उनकी समाधि स्थित है खंडवा में, ध्यान रखें ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉरी, छिंदवाड़ा में से निम्नलिखित स्थान में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड या जल स्रोत स्थित है? तो ये कोई अनहोनी करके ये जगह है, मैं आपको बता देता हूँ। छिंदवाड़ा जिले में जो तामिया विकास खंड है उसके झिरपा का जो एक ग्राम है अनहोनी, ठीक है, नाम ही इसका अनहोनी है, वहां पर ये है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर मकर संक्रांति पर 7 दिन का एक मेला भी आयोजित किया जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? तो चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म स्थान है भाभड़ा, हालांकि जब इनका जन्म हुआ था तब ये झाबुआ में था, अब लेकिन ये झाबुआ से अलीराजपुर क्या हो गया है, अलग हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज, वो भाभड़ा है उसका अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, उसका नाम बदल के कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद नगर, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद नगर इसको कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? मंदसौर में है। नवंबर 2017 में प्रक्षेपण की गई भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो 2017 में सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो थी निर्भय, उसको प्रक्षेपित किया गया था। 2017 में जारी 200 के नए नोट को उलटने पर क्या आकृति दिखाई देती है? तो ये सांची स्तूप की जो आकृति है वो दिखाई देती है इसमें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है आपका उड़ीसा राज्य में। मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो ये जो मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा, उसमें पीनियल ग्रंथि जो है वो उपस्थित होती है। देखिए, साइंस के जो नोट्स हैं वो तैयार कर रहा हूं मैं, इंग्लिश मीडियम के अगर आप हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है हमारा जो NCERT बेस्ड नोट्स हैं, ये रहेंगे आपके 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक पूरा रहेगा। काफी कुछ कंप्लीट कर दिया है मैंने, और इसको इस तरीके से बना रहा हूं मैं विद फिगर्स,
ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सको, थ्योरी भी पढ़ सको, फिगर्स से उसको समझ सको। तो इसको जल्द मैं तैयार करूँगा, थोड़ा सा टाइम और उसमें मुझे लग रहा है। तो 6th, 7th, 8th की लगभग तैयार हो गई है, 9th की लगभग आधी से ज़्यादा तैयार हो गई है, तो 10th का लगभग और बचा है। तो इस महीने जहाँ तक है इसको मैं लॉन्च कर दूंगा और इंग्लिश मीडियम की ये पूरी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा क्लास 11th और क्लास 12th की NCERT की जो समरी नोट्स हैं वो भी मैं बना रहा हूँ, जल्द ही आपको वो मिल जाएगा। कौन से ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीता? तो ये नरेंद्र मोदी थे, पहले प्रधानमंत्री थे जो दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, एक तो ये बनारस से लड़े थे, दूसरी जगह एक कहां से चुनाव लड़े थे, कमेंट करके जरूर बताएं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, 1909 का सरकारी अधिनियम किस रूप में जाना जाता है? तो माल्ले मिंटो या मिंटो माल्ले सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। सितंबर 2017 में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये संजोड मार्जिन थे जिनको जो हॉकी टीम का कोच बनाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना जो है लागू की गई थी। पटवारी के टाइम पर पंचवर्षीय योजना से संबंधित मैंने पूरा वीडियो बनाया था, सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में उसमें हमने डिस्कस किया था, वो आप देख लें। मध्य प्रदेश जीके की जो प्लेलिस्ट है आपको उसमें पूरा डिटेल उसका मिल जाएगा। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में ही सबसे लंबा है। भारत में आ रही बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच कितनी दूरी तय करेगी? तो 508 किलोमीटर की जो टोटल दूरी है वो ये तय करेगी। 8वीं ब्रिक्स यानी BRICS शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये 8वां करा गया था गोवा में। अभी हालांकि नहीं पूछा जाएगा, 9वां भी नहीं पूछा जाएगा, 10वां पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट अफेयर है लेटेस्ट। ठीक है, तो ये 10वां जुलाई 2018 में करा गया था जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? जोहान्सबर्ग है आपका साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार जो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला था वो कौन सा था? तो इंदौर था। जबलपुर में कौन सा किला स्थित है? तो जबलपुर में है मदन महल किला। ठीक है, और ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप ये मान के चलिए कि लगभग अगर 4 से 5 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, सॉरी 4 से 5 दिन पेपर चल रहा है, तो डेफिनेटली प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। ऐसे करीब 100 से 200, 300 तक भी प्रश्न हो सकते हैं। ऐसे 300 करीब प्रश्न ऐसे हैं जो आप ये मान लीजिए कि अगर आपने पढ़ लिए तो आप ये मान लीजिए कि आपका डेफिनेटली उनसे प्रश्न आपको मिलना है हर एग्जाम में। अगला प्रश्न है, महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। महेश्वर के जो घाट है वो बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उस बावड़ी का नाम बताएं जो मल्हारगढ़ किले में स्थित है, तो वो दोयला बावड़ी है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मतलब मल्हारगढ़ जहाँ तक मुझे याद है ये आपका अशोकनगर में आता है शायद। ठीक है, ये मंदसौर शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंफर्म करके जरूर बताऊंगा इसको। ठीक है, तो वो जो बावड़ी है वो दोयला बावड़ी है। दमोह में कुंडलपुर तीर्थ स्थान किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैन संप्रदाय का है। दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये अनूपपुर में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मुंबई से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। मैं नेक्स्ट है, दलाई लामा चीन के किस राज्य के निर्वासित लीडर हैं? तो ये चीन के तिब्बत के आपके आप चीन लगभग ये आप मान लीजिए कि तिब्बत जो है आपका चीन में ही आने लग गया है, पूरे तरीके से चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, 2017 में संसद में पारित अखिल भारतीय कर का नाम क्या है? तो ये GST था, GST। ठीक है, तो ग्लोबल सर्विस टैक्स इसको बोला जाएगा, और ये लागू किया गया था 2017 में, इसको संसद में पारित करने के बाद पूरे देश में इसको लगा दिया गया था। अलग अलग जो वस्तुएं हैं उन पर अलग अलग इसका परसेंटेज रहता है। ठीक है, पूरे देश में जो कर की जो व्यवस्था थी, अलग अलग जो कर हुआ करते थे, तो ये GST इसलिए बनाया गया था ताकि सारे जो कर हैं वो एक ही कर लिया जाए, आपको पता लगे कि आपसे एक ही कर लिया जा रहा है, दैट्स इट। अलग अलग आपको कर नहीं देना पड़े, जैसे कर जो होते हैं वो डायरेक्ट एक टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, आप अलग अलग पे करते हैं, तो ठीक है, GST अब इन सबको मिला के एक GST इसमें बना दिया गया था, जिसमें एक स्टेट GST था और एक आपका इंडिया लेवल का IGST जिसको बोलेंगे, एक SGST था, अलग अलग GST आपके थे, तो अलग अलग इसका पूरा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में नहीं आता है? तो इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सीहोर है वो आपका नर्मदापुरम संभाग में नहीं आता है। तो जो संभाग वाले प्रश्न है, मैं एक्चुअली मैं इनको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ें इनके बारे में पता है ही।
होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव होलकर थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। ख्याल गायन के लिए विश्व में विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो उस्ताद आमिर खां ये थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। घरानों से संबंधित मैंने आपको कल भी बताया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज, ठीक है, भारत एक खोज या आई थिंक भारत की खोज है वो, भारत की खोज ये जो किताब लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और एक भारत की खोज करके एक श्याम बेनेगल का एक दूरदर्शन पे काफ़ी पहले एक सीरियल भी आता था, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। उससे आपको ये मान लीजिए कि जो हिस्ट्री है आपकी, ठीक है, उसमें आप कहानियाँ बनाना सीख जाओगे क्योंकि सारी चीज़ें उसमें बताई गई। उसको पढ़ने के बाद जब आप पढ़ाई करोगे खुद से तो आपको एक स्टोरी के रूप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के किस मीडिया ग्रुप द्वारा IPL 2017 के प्रसारण अधिकार जीते गए थे? तो ये IPL जब हुआ था ये 2017 को, तो स्टार इंडिया को इसके सारे प्रसारण दे दिए गए थे। ये अच्छा एक चीज़ याद रखें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 26 जनवरी से पहले मनाया जाता है ना, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2016 कौन जीता? तो आदित्य मेहता जीते थे। हालांकि अभी करंट अफेयर कोई काम का नहीं है क्योंकि 2017 का हो चुका है, ये प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे। कारगिल युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑपरेशन विजय के नाम से। एक और चीज, मध्य प्रदेश का अगर करंट अफेयर है वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं होता है, कम होता है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, तो वो आपसे 2017 का भी पूछ सकते हैं, ये चीज याद रखें। बाकी इंडिया लेवल का या अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की हम बात करते हैं तो वो आपसे फिर से दोबारा नहीं पूछा जाएगा। कौन भारत का लैंड लॉक राज्य नहीं था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो उड़ीसा होगा वो लैंड लॉक नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये थे प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए आपका जैसा अच्छा रिस्पॉन्स इस पर मिलेगा वैसे वैसे मैं फिर आपकी सीरीज को आगे ले जाऊँगा, अदरवाइज मुझे सीरीज पर रोकनी पड़ती है। थैंक यू।